हेलो चिल्ड्रेन, टुडेज लेसन इज लेसन नंबर 10, जगतु द गार्डनर, क्लास 6। दिस इज कविता आचार्य जी, टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल, पांडुका, ब्लॉक छुरा, डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Today's lesson is Jagtu the Gardener. Jagtu the Gardener means Jagtu Mali के बारे में आज हम लोग लेसन में पढ़ेंगे, समझेंगे। Let's start the lesson. Lesson number 10, Jagtu the Gardener. चिल्ड्रेन, आज का लेसन तो बच्चों, आज का लेसन है जगतू द गार्डनर, जगतू माली के बारे में। नेक्स्ट, तो जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि कोई भी लेसन पढ़ने के पहले अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट द लेसन। लेसन 10, जगतू द गार्डनर। इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द फोक टेल वेल नोन ओवर द कंट्री। ये जो कहानी है बेटा, लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा मीन्स फोक टेल। फोक मतलब लोक, टेल मतलब स्टोरी। टेल का स्पेलिंग देखिए, TALE, टेल। टेल मने कहानी या स्टोरी। लोक कथा पर आधारित है, वेल नोन ओवर द कंट्री, पूरे देश भर में ये प्रसिद्ध है लोक कथा के नाम से। द लेसन इज अबाउट एन एलिफेंट एरावत एंड द गार्डनर हु सॉ इट एंड बाय कैचिंग इट्स ए टेल वेंट टू द हेवन। ये जो लेसन है, ये जो पाठ है आपके, एक हाथी एरावत जिसका नाम है और गार्डनर माली, जो हाथी को देखें और हाथी को पूंछ पकड़कर हेवन माने स्वर्ग पहुंच जाते हैं। द स्टोरी इज जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। ये जो कहानी है का आप लोग का आनंद पहुंचाने के लिए, केवल आनंद पहुंचाने के लिए
आनंददायक हैं। ये लोक कथा पर आधारित पाठ हैं। इस कथा में स्वर्ग लोक के हाथी ऐरावत का वर्णन है, जिसकी पूंछ पकड़कर माली सीधे स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। तो अबाउट द लेसन से ही आपको पता चल रहा है लेसन कितना इंटरेस्टिंग और आनंददायक होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द लेसन जगतु द गार्डनर। नेक्स्ट, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ गार्डनर कॉल्ड जगतु। जगतु नाम था मालिक का। ही वॉज एम्प्लॉयड इन द किंग्स गार्डन। वो राजा की जो बगीचा है उसमें नियुक्त थे। एम्प्लॉयड मीन्स कर्मचारी थे, उधर नियुक्त थे वो। एम्प्लॉयी जहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं उनको नियुक्त बोलते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन। बहुत सुंदर बाड़ी था, गार्डन था। जगतू यूज टू स्पेंड द होल डे इन द गार्डन। जगतू पूरा दिन भर उसी गार्डन में रहा करता था। जगतू कौन है? द गार्डनर है ना, माली। ही यूज टू गो होम ओनली एट नाइट। वो रात को ही घर जाते थे। तो हम इससे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गार्डनर मीन्स माली, जो बगीचा या बाड़ी का देखभाल करते हैं। एम्प्लॉय मीन्स नौकरी करने वाला या कर्मचारी। स्पेंड मतलब बिताना। नेक्स्ट, वन नाइट हाउएवर ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन। एक दिन क्या हुआ, उसको रात को भी गार्डन में रहना पड़ा। किसको? जगतू को। सडनली ही हार्ड अ लाउड नॉइस। जगतू हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। जगतू क्या हुआ, एक बहुत तेज आवाज सुना और पेड़ के पीछे छुप गया। इन ग्रेट फियर मतलब डर के मारे वो पेड़ के पीछे छुप गया। हिड मतलब छुप जाना। ही सॉ ए लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। उन्होंने देखा बहुत बड़ा सा एक हाथी आसमान से नीचे की ओर उतर रहे हैं। डिसेंडिंग मीन्स ऊपर से नीचे उतरना। इट वॉज रोमिंग अबाउट द गार्डन। हाथी जो था रोमिंग कर रहा था। टू रोम मीन्स इधर उधर घूमना। कौन कर रहा था रोमिंग? हाथी। आफ्टर ए व्हाइल जगतू लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस। कुछ देर बाद जगतू क्या किया, अपना जहाँ पर छुपा था उस जगह को छोड़ दिया। उस जगह से निकल कर आए। कौन निकल कर आए? जगतू। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए टैंक। और एक टंकी के किनारे बैठ गए। एज मतलब किनारा। EDGE स्पेलिंग को ध्यान दीजिए बच्चों। एज ही सेट देयर ही सेट टू हिमसेल्फ इन माई होल लाइफ। उन्होंने जैसे ही उस टंकी में बैठे और उन्होंने अपने आप से सोचा कि मेरा पूरा जीवन भर में, होल लाइफ मीन्स जीवन भर में, आई हैव नेवर सीन सच एन इनॉर्मस एलिफेंट। मैं अपना जीवन भर में इतना विशाल हाथी कभी नहीं देखा। इनॉर्मस मीन्स विशाल हाथी कभी नहीं देखा हूँ। बट आई रिमेम्बर अबाउट हेवनली एलिफेंट कॉल्ड एरावत। परंतु मैं याद कर सकता हूँ कि एक स्वर्ग में रहता है या एक हाथी ऐसा जिसका नाम है एरावत। हेवनली एलिफेंट मतलब स्वर्गीय है ना, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिसका नाम है एरावत। नो डाउट दिस इज दैट एलिफेंट। कोई संदेह नहीं है, नो डाउट वही एलिफेंट हाथी ये है। ही गॉट अप एंड बिगन टू वॉक क्वाइटली आफ्टर द एलिफेंट। जगतू क्या किया, धीरे धीरे उधर से नीचे उतरकर धीरे धीरे पीछे पीछे जाने लगे हाथी के। क्वाइटली मीन्स धीरे धीरे। इट एट वेरियस फ्रूट्स एंड रूट्स दैट ग्रू इन द गार्डन। हाथी जो था बहुत सारा फल को खा डाले जो बाड़ी में बगीचा में फला था, और रूट्स बहुत सारे सब्जी भाजी के जड़े भी खा डाले जो गार्डन में हुआ था। जगतू कॉट इट्स लॉन्ग टेल व्हेन इट वॉज अबाउट टू असेंड टू द स्काई अगेन। जगतू क्या किया, उस हाथी का पूंछ को पकड़ के आसमान की ओर चला गया। असेंड मतलब ऊपर की ओर चले जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाने को बेटा असेंड कहते हैं। असेंड मीन्स चढ़ना ऊपर की ओर। रोमिंग मीन्स इधर उधर घूमना। हिड मीन्स
छुपा लेना या छुप जाना, डिसेंट मतलब नीचे से उतरना, एसेंट होता है बेटा, एसेंट क्या होता है कि नीचे से आपको ऊपर तरफ जाना, डिसेंट होता है ऊपर से नीचे तरफ आना, है ना, एसेंट का ऑपोजिट होता है डिसेंट, और एनॉर्मस मीन्स बहुत ही बड़ा, विशाल, उसको बोलते हैं एनॉर्मस। नेक्स्ट, व्हेन दे अराइव इन हेवन जगतू लेट गो द एलिफेंट्स टेल, जब हाथी को देखें कि हेवन में पहुंच गए हैं, जगतू उसका पूंछ को छोड़ दिए, पूंछ मतलब टेल, TAIL, पूंछ को छोड़ दिए, एरावत डिपार्टेड फॉर इंद्रस पैलेस एंड जगतू बिगन टू रोम अबाउट इन द हेवन। एरावत क्या हुआ, इंद्रदेव का महल, पैलेस माने महल में चला गया, और वो तो इंद्रदेव का पैलेस के बाहर में जो खड़ा रहते हैं वो हैं एरावत, तो वो खड़ा रहा और जगतू इधर उधर घूमने लगा, रोम करने लगा। एवरीथिंग वॉज ऑफ सच ए ह्यूज साइज दैट द साइट फील्ड हिम विद अमेजमेंट, हर चीज उधर जो दिख रहा था, सब चीज क्या था, बहुत बड़ा था, जो हम लोग देखते हैं ना चीज़ों को जिस साइज में, उससे काफ़ी बड़ा था जो भी चीज़ दिखाई दे रहा था। तो जगतू क्या देखा उस साइट को, साइट माने दृश्य को, अमेजमेंट, अमेजमेंट मीन आश्चर्यचकित होकर, ही गॉट सम बिटर लीव्स, जिसको बोलते हैं पान की पत्ते, एंड सम बिटर नट्स, और कुछ सुपारी जो पान के साथ खाया जाता है, बोथ द बिटर लीव्स एंड बिटर नट्स वेयर वेरी बिग, जगतू ने कुछ पान की पत्ते और पान की सुपारी लिए जो बहुत बड़ा था। देखिए बेटा आपका स्लाइड में गया है पान की पत्ते और सुपारी का फोटो, है ना, ये तो इस साइज में हम लोग देखते हैं, लेकिन जगतू को जो मिला है उधर से बहुत ही बड़ा साइज का, है ना, और स्लाइड में गया है क्या है, इंद्रदेव का महल और जहाँ पर एरावत खड़े हैं। तो व्हाट मीनिंग देख लेते हैं, हेवन मीन्स स्वर्ग, डिपार्टेड मीन्स प्रस्थान करना या छोड़ना, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य। नेक्स्ट नाइट एरावत वेंट डाउन टू द गार्डन विद जगतू हैंगिंग ऑन टू इट्स टेल, और दूसरे दिन रात को क्या हुआ, जगतू ने वो जो हाथी के पूंछ पकड़कर फिर नीचे आए, नीचे मतलब गार्डन में आए, एज सून एज दे गॉट देयर, एज सून एज का मतलब है जैसे ही वो लोग नीचे उतरे, जगतू एंड द एरावत नीचे उतरे, जगतू लेट गो द टेल, जगतू पूंछ को छोड़ दिए क्योंकि नीचे उतर गए अब, एंड हरिड बैक होम, और हरिड मतलब जल्दी जल्दी घर पहुंचे, कौन घर पहुंचे, जगतू, हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम, उनके पत्नी जो है, वाइफ जो है, उनका राह दिख रहे थे, लुकिंग फॉर हिम मीन्स राह देखना, एज सून एज ही सॉ हिम कमिंग, जैसे ही उनके पत्नी देखें कि जगतू आ रहे हैं, सी रैन टू मीट हिम एंड क्राइड, वो दौड़ के गए और चिल्लाए, क्राइड मीन्स चिल्लाए, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन मीन्स आप कहाँ थे, जगतू विदाउट सेइंग ए वर्ड, जगतू कुछ भी ना कहकर ब्रॉट आउट द बिटर लीव्स एंड बिटर नट्स, जगतू ने कुछ भी ना कहकर सुपारी और पान की पत्ते को अपने वाइफ पत्नी को दिए, एट द साइट ऑफ देम हिज वाइफ वॉज फिल्ड विद जॉय, इसको देख के ही उनके पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो गए, जॉय मीन्स खुश, वेयर डिड यू गेट दिस, आपको ये कहाँ से मिला, सी एक्सक्लेम, एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्यचकित होकर कहना, आपको ये कहाँ से मिला, उनके पत्नी जगतू से पूछे। तो बच्चों वर्ड मीनिंग है, हरिड मीन्स हड़बड़ी या जल्दी से, एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्य से कहना। नेक्स्ट, जगतू देन टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट हिज एडवेंचर, जगतू उनके पत्नी को सारे चीज के बारे में बताया, एडवेंचर मीन्स रोमांच भरा जो घटना घटित हुआ उसको उन्होंने बताया, ही ऑल्सो टोल्ड हर नॉट टू टेल इट एनी वन, वो उनके पत्नी को कहा जगतू ने किसी को मत कहना इसके बारे में, बट शी टोल्ड द होल स्टोरी टू अ फ्रेंड ऑफ हर्स एंड सून एवरीबॉडी इन द विलेज न्यू अबाउट इट, लेकिन उसके पत्नी सुनी नहीं, उनके पत्नी ने सभी सहेली या दोस्तों को बता दिए,
उनके बारे में कि उनके पति कहाँ गए थे और गांव के निवासी सबको पता चल गया इनके बारे में। द विलेजर्स आस्क जगतू टू टेक देम ऑल्सो टू द हेवन। सारे गांव के लोग जगतू को बोले हम लोग को भी ले चलिए ना, कहाँ? हेवन में। एडवेंचरस मीन्स रोमांच भरा कार्य। नेक्स्ट, दैट नाइट व्हेन द एलिफेंट वॉज अबाउट टू डिपार्ट। उसी रात को, क्योंकि सुबह एलिफेंट आ जाते हैं हाथी गार्डन में, रात को चले जाते हैं। जैसे ही एलिफेंट डिपार्ट होने वाले थे, प्रस्थान करने वाले थे, जगतू क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी, गॉट बिहाइंड हिम, उसके पीछे चले गए हाथी के पीछे। एंड कॉट हिज टेल, उसका पूंछ को पकड़ लिए जगतू। देन दे ऑल हेल्ड वन अनदर इन ए क्यू। क्यू मने लाइन। एक के बाद एक जगतू को पकड़े, फिर जगतू को पत्नी को पकड़े, ऐसा करके सब कहाँ जा रहे हैं? हेवन जा रहे हैं। ऑन दियर वे ए फ्रेंड ऑफ जगतूज वाइफ आस्क्ड हर। जब जैसे जा रहे हैं ऊपर की ओर सबने मिलकर, तो जगतू के जो जगतूज वाइफ को, जगतू को जो पत्नी है, उनको एक सहेली या फ्रेंड ने उसको पूछे कि हाउ बिग वॉज द बिटल नॉट दैट योर हस्बैंड ब्रॉट होम। जो सुपारी लाए थे आपके पति हेवन से, वो कितना बड़ा था? हिज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन टू जगतू। जगतू के पत्नी जगतू से प्रश्न को बार बार दोहराए कि मेरे ये सहेली पूछ रहे हैं कितना बड़ा था सुपारी जो आपने लाए थे स्वर्ग से। जगतू सेड दैट ही वुड आंसर दैट लेटर। जगतू बोले कि मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में जवाब दूंगा। बट शी इंसिस्टेड, लेकिन वो बार बार उसको क्या कर रहे हैं? अड़ रहे हैं, जोर देकर बोल रहे हैं, कहाँ से लाए, कितना बड़ा था, बताइए ना करके जोर डाल रहे थे जगतू को, पत्नी, जगतू की पत्नी से। नेक्स्ट, जगतू लॉस्ट पेशेंस एंड स्प्रेडिंग हिज हैंड। जगतू क्या किया, बार बार उसने बोल रहे हैं कहाँ से लाए थे आपके पति ने, उसके पत्नी के जो सहेली थे, तो जगतू क्या किया, लॉस्ट पेशेंस, उसका धीरज जो है वो क्या हो गया, खो गया। लॉस्ट मीन्स खो जाना। जगतू का बार बार किसी ने ऐसे करके बात में अड़ जाते हैं, तो स्वाभाविक है बच्चों कि उसका जो पेशेंस है, धीरज है, वो क्या हो गया, खो गया। पर स्प्रेडिंग हिज हैंड्स, वो अपने हाथ को क्या किया, स्प्रेड करने लगे, है ना, ऐसे करके, दिस बिग, इतना बड़ा। एज ही स्प्रेड हिज आर्म्स, जैसे ही जगतू ने अपना हाथ को स्प्रेड किया बच्चों, शो द साइज ऑफ द नट, वो सुपारी की साइज बताने के लिए ही लॉस्ट हिज ग्रीप। ये स्वाभाविक था, जगतू ने हाथी का जो पूंछ को पकड़े थे वो कस कर पकड़े थे, ग्रिप किया था, है ना, कस कर पकड़े थे, लेकिन वो ग्रिप जो है टू छूट गया। ऑन द एलिफेंट्स टेल, हाथी के पूंछ से। एंड इन अ मोमेंट दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन। और पलक झपकते ही क्या हुआ, सब एक के बाद एक नीचे गिर गए, क्योंकि एक का जो जगतू का जो ग्रिप टूटा, है ना, कसकर जो पकड़े थे पूंछ को, तो एक के बाद क्वाइट नेचुरल है, स्वाभाविक है, सबका एक के बाद दूसरे को पकड़े थे, एक दूसरे को, सबने नीचे टम्बलिंग डाउन हुआ। टम्बलिंग डाउन माने ऊपर से नीचे गिरना, और पेशेंस मीन्स धैर्य या धीरज। तो ये था आपका स्टोरी जगतू द गार्डनर, जगतू माली का ये कहानी था। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है जगतू और एरावत, है ना, और उसके बाद ये तो फोक टेल है, तो गांव के निवासियों के बारे में और उनके घर के बारे में कुछ, और इसमें क्या है, इंद्रदेव का महल के बारे में सबका वर्णन किया गया है, कहानी को बहुत ज़्यादा रोचक बनाया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें क्या प्रश्न उत्तर है, है ना, प्रश्न उत्तर। व्हाट डिड जगतू सी इन द गार्डन वन नाइट। जगतू ने रात को एक दिन क्या देखा गार्डन में, क्या देखा था गार्डन में। वन नाइट जगतू सॉ ए लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई।
एक दिन रात को जगतू ने देखा एक बहुत बड़ा सा हाथी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। डिसेंडिंग होता है बेटा, ऊपर से नीचे उतरना। इट वॉज रोमिंग अबाउट इन द गार्डन। वो क्या कर रहे थे, गार्डन में, बगीचा में रोम कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड जगतू हाइड बिहाइंड द ट्री। जगतू ने पेड़ के पीछे क्यों छुप गया था। जगतू हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री इन ग्रेट फियर। जगतू ने डर के मारे पेड़ का पीछे छुप गया था, क्योंकि हाथी तो बहुत एनॉर्मस था ना, विशाल था, और अचानक देखा और उन्होंने छुप गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट। हाथी का नाम क्या था। द नेम ऑफ द एलिफेंट वाज एरावत। हाथी का नाम था एरावत। बेटा ऐसे भी शुद्ध हिंदी में हाथी को ऐरावत कहते हैं, है ना। और राजा इंद्र के दरबार में महल के बाजू में जो एलिफेंट खड़ा रहता है उसका नाम ऐरावत है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ वन, व्हाट डिड द एलिफेंट डू इन द गार्डन। हाथी एलिफेंट गार्डन में क्या कर रहे थे, आपको पता है बेटा क्या कर रहा था। द एलिफेंट वॉज रोमिंग इन द गार्डन। वो गार्डन में इधर उधर घूम रहा था एंड एट वेरियस फ्रूट्स एंड रूट्स, और बहुत सारा फल को खा डाले थे जो उसमें बाड़ी में उगा था, एंड रूट्स और जड़ को क्या किए थे, जो गार्डन में था उसको खा डाले थे। वेयर डिड जगतू स्पेंड द होल डे। जगतू पूरा दिन कहाँ बिताए थे, ये तो आप लोग को सबको पता है बेटा, कहाँ बिताए थे। जगतू स्पेंट होल डे इन द हेवन, स्वर्ग में बिताए थे, है ना। इसलिए तो उनका पत्नी भी पूछ रहे थे, वाइफ भी पूछ रहे थे कि वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट डिड जगतू ब्रिंग फ्रॉम हेवन। जगतू स्वर्ग से क्या लाए थे। जगतू ब्रॉट सम बिटल लीव्स एंड सम बिटल नट्स फ्रॉम द हेवन। जगतू हेवन से क्या लाए थे, कुछ पान की पत्ते और कुछ सुपारी लाए थे जो बहुत ही बड़ा था। आम तौर पर हम लोग जो सुपारी और पान देखते हैं ना बच्चों, उससे ये काफी बड़ा था साइज में, है ना। तो ये जगतू ने कहाँ से लाए थे, फ्रॉम द हेवन। नेक्स्ट व्हाट डिड जगतूज वाइफ आस्क हिम। जगतू की पत्नी उनसे क्या कहा, आस्क मतलब पूछना, क्या पूछे। जगतूज वाइफ आस्क हिम व्हेयर डिड यू गेट दिस बिटल लीव्स एंड बिटल नट्स। आपको ये पान की पत्ते और सुपारी कहाँ से मिला, जगतू की पत्नी ने जगतू से पूछा। व्हाट डिड द विलेजर्स डू। गांव के निवासी, विलेजर्स मीन्स गांव में रहने वाले, गांव के निवासी क्या किया। द विलेजर्स हेल्ड वन अनदर इन ए क्यू। क्यू मतलब पंक्ति, क्यू मतलब पंक्ति। क्यू का स्पेलिंग चेक करना बच्चों, है ना, QUEUE, इसको प्रैक्टिस करना। तो विलेजर्स क्या किया, एक दूसरे को पकड़ लिए इन ए क्यू मतलब पंक्ति में, टू द एंड टू गो टू हेवन, स्वर्ग में जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को भी शौक हो रहा था कि हम लोग भी जगतू जैसा विलेज स्वर्ग घूमने जाएंगे। नाउ नाइन्थ वन, व्हाट डिड दे टम्बल डाउन। उन लोग क्यों, क्या हो गया था बेटा, ये व्हाई डिड दे टम्बल डाउन, क्यों उन लोग गिर गया था, किसने, गांव के लोग सभी मिलकर क्यों गिर गए थे। एज जगतू स्प्रेड हिज आर्म, जैसे ही जगतू ने अपना क्या किए, दोनों हाथ को स्प्रेड किए, सॉ टू शो द साइज, साइज दिखाने के लिए, किसकी, पान की पत्ते और सुपारी की। ही लॉस्ट हिज ग्रिप, वो अपने हाथ में जो पकड़े हुए थे ग्रिप, है ना, कसकर जो पकड़े थे पूंछ को हाथी के, वो टूट गया। फ्रॉम एलिफेंट्स टेल, हाथी के पूंछ से, सो दे ऑल टम्बल डाउन, इसलिए सभी मिलकर एक के बाद एक गिर गए। टम्बल डाउन मतलब ऊपर से नीचे एक के बाद एक गिर जाना। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। नाउ योर
ग्रामर क्वेश्चन बेटा, ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर इन योर बुक ग्रामर, आंसर क्वेश्चन नंबर ए, ग्रामर ए एंड बी। लेट्स स्टार्ट ग्रामर। बच्चों आप लोग, मैं बोर्ड में आपको करके दिखाऊंगी ग्रामर प्रश्नों का उत्तर को आपका। देखिए बेटा, लुक एट द पिक्चर। बच्चों लुक एट द पिक्चर। एज सून एज द थीप सॉ द पुलिस, उसमें चित्र के सहारे आपको क्या करना है, सेंटेंस को बनाना है बेटा। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स में ध्यान दीजिए। एज सून एज, मैं बताई हूँ ना, एज सून एज मीन्स जैसे ही। एज सून एज द थीप सॉ द पुलिस, पुलिस जैसे ही, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, थीप माने चोर, जैसे चोर ने पुलिस को देखा क्या होगा आंसर ब्लैंक में, क्या होगा, द थीप रैन अवे, क्या होगा, द थीप, थीप माने चोर, रैन अवे, भाग गए, है ना, ऐसा ही तो होता है ना अक्सर, ऐसा ही होता है कि पुलिस को देखते ही चोर क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, दौड़ के चले जाते हैं। नाउ टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है आपका, इसमें है, टू में है आपका बच्चों, इट स्टार्टेड टू रेन द प्लेयर्स डैश, दो डैश आपको भरना है, तो पहले क्या होगा, एज सून एज, जैसे ही, पहले डैश में होगा एज सून एज इट स्टार्टेड टू रेन, आपका बुक में है बारिश होने लगी, द प्लेयर्स, उसके बाद और एक डैश है बेटा, द प्लेयर्स स्टॉप द गेम, स्टॉप मतलब रोक देना, गेम या खेल जो खेल रहे थे उसको क्या किया, रोक दिया, स्टॉप द गेम। तो मैडम सिर्फ लिख रहे हैं जो खाली स्थान है उस जगह में यू हैव टू राइट द वर्ड्स। नाउ थर्ड वन, डैश द गर्ल सॉ हर फादर ब्लैक, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज, एज सून एज, जैसे ही लड़की, द गर्ल सॉ हर फादर, जैसे ही उनके पापा को देखे, सी रैन टू मीट हिम, क्या होगा, सी रैन टू मीट हिम, लड़की अपने पापा से मिलने चले गए, सी रैन टू मीट हिम, मीट हिम, उनके पापा से मिलने चले। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ वन है आपका ग्रामर में, एज सून एज मतलब जैसे ही या ज्यों, है ना, जैसे ही हुआ ऐसा, जैसे ही, एज सून एज द सन रोज, बेटा ये जो सन रोज है ना, उगा, रोज माने गुलाब का फूल नहीं है, ये वर्ब है ना, उगा, द सन रोज, द वर्ब्स फ्लू इन द स्काई, फ्लू एफ एल ई डब्ल्यू इन द स्काई, आसमान में उड़ गए, जैसे सुबह होते हैं क्या होते हैं, चिड़िया जो होते हैं आसमान में उड़ जाते हैं, है ना। तो ये है आपका बुक में 53 पेज नंबर, 53 पेज नंबर, यू हैव टू फिल, यू हैव टू फिल। नाउ फिफ्थ वन ग्रामर, पहला ब्लैंक सेम एज सून एज, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज द पुलिस सॉ द ट्रेन, पुली क्या देखे, ट्रेन को देखे, पुली माने जो सामान ढोते हैं, जैसे ही पुली ने ट्रेन को देखे,
दे रहे हैं, क्या हुआ? ब्लैंक में आपको फिल करना है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। कुली जो सामान ढोते हैं, वो जैसे ही पैसेंजर ट्रेन को देखे, क्या किया? दे रैन, रैन मतलब दौड़ना, रैन टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब उस तरफ, द पैसेंजर, पैसेंजर मीन्स यात्री, पैसेंजर मीन्स यात्री, यात्री के ओर क्या हो गए? चले सामान ढोने के लिए। तो ये था बेटा आपका ग्रामर का प्रश्न, है ना? वो है पेज नंबर 52, लेसन नंबर 10, और बी में है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को स्टडी करके यू हैव टू फिल द आंसर्स इन द ब्लैंक, ब्लैंक में आपको भरना है बेटा। तो फर्स्ट वन क्या है कि ही रैन अवे, द थीफ रैन अवे एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही पुलिस को देखा चोर ने दौड़ के भाग गए। एज सून एज, सेकेंड वन, एज सून एज स्टार्टेड टू रैन द प्लेयर्स स्टॉप द गेम, जैसे ही बारिश होने लगी क्या किया? प्लेयर्स जो खिलाड़ी हैं स्टॉप द गेम, गेम को रोक दिए और खेल नहीं पाएंगे, है ना? स्टॉप प्लेइंग भी बोल सकते हो, स्टॉप द गेम, दोनों ही राइट है। नाउ थर्ड वन, एज सून एज, थर्ड वन ध्यान से देखिए, एज सून एज द गर्ल सॉ हर फादर, जैसे ही बच्ची ने अपने पापा को देखे, फोटो में देखिए बच्ची ने पापा को देखते ही दौड़ के जा रहे हैं। एज सून एज द गर्ल सॉ हर फादर, पापा को देखे क्या होगा? शी रैन टू मीट हिम, वो दौड़ के पापा से मिलने गए। फोर्थ वन देखिए, चित्र में दिया है कुछ चिड़िया उड़ रहे हैं। एज सून एज द सन रोज, जैसे ही सूर्य उगा, रोज मीन्स उगना, है ना? राइज मीन्स उगना, रोज मीन्स उगा या उदय हुआ। द बर्ड्स फ्लू अवे इन द स्काई, चिड़िया उड़ के आसमान में चले गए। नाउ फिफ्थ वन देखिए, आपका इसमें स्लाइड में गया है फोटो एक रेलवे प्लेटफॉर्म की। एज सून एज द कुली सॉ द ट्रेन, जैसे ही कुली, कुली मतलब जो सामान ढोते हैं उसको पोर्टर भी बोलते हैं, PORTER, है ना? वो कैसे, जैसे ट्रेन को देखे उन्होंने क्या किया? दे पुलिस झलकता, प्लूरल में दे रैन टूवर्ड्स द पैसेंजर, दौड़ के यात्रियों के पास चले गए, क्योंकि उनको सामान को पहुंचाना रहता है ना, इसलिए चले गए। तो ये था बेटा आपका ग्रामर का प्रश्न उत्तर। एज सून एज मतलब जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही, ग्रामर का प्रश्न। चलिए अब देखते हैं आपका होमवर्क, आपका होमवर्क है। होमवर्क में है वोकैबुलरी रिलेटेड है बच्चों। मैच द वर्ड्स इन देयर ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स विलोम शब्द, ऑपोजिट मीन्स विलोम, है ना? एसेंड मतलब क्या होता है? एसेंड मतलब मैं बताई थी ना, एसेंड मतलब क्या होता है? ऊपर से क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर क्या करना? चढ़ना, है ना? और जो एनॉर्मस होता है, विशाल होता है ना? और पिकिंग मतलब उठाना, और डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, एम्प्लॉयड मतलब नियुक्त। तो एसेंड और डिसेंड जैसा होता है ना? एसेंड मतलब चढ़ना और डिसेंड मतलब इसमें उतरना। ऐसे करके आप लोगों को यू हैव टू क्या है, मैच द वर्ड्स ए विथ दे आर ऑपोजिट इन बी, नंबरिंग करके करना बच्चों होमवर्क, है ना? और आप अपना संबंधित टीचर को भेजेंगे, इसमें नंबरिंग करना, सब में नंबरिंग कर लेना, एसेंड में वन, एनॉर्मस में टू, पिकिंग में थ्री, और डिपार्ट में फोर, और एम्प्लॉयड में फाइव,
जैसे आप लोग पढ़े हैं ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, उसको बोलते हैं असेंड। तो अब है आप लोगों का नेक्स्ट जो होमवर्क है, सबसे पहले मायने समझेंगे, उसके बाद विलोम शब्द में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट होमवर्क है मेक सम मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल माने जिसका शब्दार्थ होता है, मायने होती है। जैसे एलिफेंट से आपको मीनिंगफुल बनाना है, जैसे गार्डनर से बनाया गया है, देखिए स्लाइड में गया है, देन है, गियर है, सारे के सारे वर्ड उसमें हैं। तो एलिफेंट से भी यू हैव टू मेक, आपको बनाना है बेटा एलिफेंट से। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एलिफेंट से आप लोग बना सकते हो एंट, है ना, ए एन टी एंट बना सकते हो, है ना, हैट एच ए टी हैट बना सकते हो। सो यू हैव टू राइट द मीनिंगफुल वर्ड्स एंड पुट ऑल द वर्ड्स इन द बॉक्सेस गिवन इन योर क्वेश्चन। तो बच्चों दिस वॉज योर लेसन नंबर 10, जगतू द गार्डनर क्लास 6। मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको बहुत सारा न्यू वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने को मिला है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, रिपीटेडली क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे समझेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे वर्ड मीनिंग को सबको। किसी को कुछ पूछना है? पढ़िए इसको स्टोरी को घर में इसको, और होमवर्क को लिखिए, और लिखने के बाद इसको संबंधित टीचर को या मुझे भेज सकते हैं। ओके बेटा, बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।